हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर एक एरर आपको देखने को मिलता है, कनेक्शन प्रॉब्लम और इनवाइटेड MMI कोड। यहाँ से मैं इसको काटता हूँ एंड देन यहाँ पर कोई ये दोबारा मिला कर देखता हूँ, तो यहाँ पर आपको फिर ये ऐसे दिखा रहा है। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, तो गाइज़ ये दो एरर हैं, एक तो कनेक्शन प्रॉब्लम है और इनवाइटेड MMI कोड है, इन दोनों में से एक है। अब कनेक्शन प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको किस तरीके की होती है। कनेक्शन प्रॉब्लम होती है आपके सिम से, आपके डिवाइस से, बहुत तरीके के ऐसे सर्वर्स रहते हैं जो कि आपकी आपके कनेक्शन को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक घंटे बाद अपने कनेक्शन को दोबारा चेक कीजिएगा, बंद करके खोलिएगा फ़ोन को, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी। अब दूसरा यहाँ पर जो क्या है वो है इनवाइटेड MMI कोड। अब जैसे कि इनवाइटेड MMI कोड अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इनवाइटेड MMI, तो ये इनवाइटेड MMI कोड है जो कि यूज़ नहीं किया जाता, तो इसलिए दिखा रहा है। जैसे कि मैं *121# डायल करूँगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये इनवाइटेड नहीं है। अब बेसिकली ये आपको एरर दिखाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐप्स में जाना चाहिए और यहाँ पर फिर आपको जो अपनी सेटिंग्स में जाना चाहिए एंड यहाँ पर जो आपको एक दफ़े एरोप्लेन मोड को लगा देना होगा, तो यह एरोप्लेन मोड इसको खोल देना होगा। ये हमारे पास सैमसंग के डिवाइसेस हैं जहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, तो एक दफ़े यार हमें जो है इसको फ्लाइट मोड को लगा देना है एंड बंद कर देना है उसके बाद। तो जैसे ही आप इसको बंद करेंगे थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली सिंबल दे देगा बंद होने का, उसके बाद बंद करिएगा तो ये जो प्रॉब्लम है ये कनेक्शन की प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर गाइस यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।